हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु, और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं पार्ट वन से, जिसमें हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन में के बारे में। सो रोटेशनल मोशन हो या फिर बेटा हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा कि देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या चीज़ है, बेसिकली कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स का बनता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉडी है, सही है, ये बॉडी है। अब इसके अंदर अगर देखें तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और ये सारे पार्टिकल्स का सिस्टम बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करने वाले हैं, और हर एक चीज उसके रिगार्डिंग देखेंगे, दो से तीन चार न्यूमेरिकल देखेंगे, और इसके बाद फिर वीडियो का एंड करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि सेंटर ऑफ मास एटलीस्ट क्लियर हो। देखो मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा पहले। देखो अगर मैं बात करूं सिंपल पार्टिकल की, पार्टिकल क्या चीज है? कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई मास होता है उसे बोलते हैं पार्टिकल, मतलब उसका एक डेफिनेट मास है रिगार्डलेस देयर शेप एंड साइज। हमें नहीं फर्क पड़ता उसका साइज और शेप क्या है, क्योंकि न्यूटन ने जितने भी लॉज दिए, हम हर किसी में जो शेप है वो पॉइंट मास लेके चलते हैं। हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सर्कुलर है, चाहे वो सिलेंड्रिकल है, जैसा भी हो, हम पॉइंट मास मार्क करते हैं और उसी पॉइंट मास को यूज करते हैं। तो मास बेसिकली पार्टिकल का जिसका कोई फाइनाइट मास होगा रिगार्डलेस देयर शेप एंड साइज, हमें नहीं फर्क पड़ता। और ऐसे अगर हम बोलूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या चीज है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज बेसिकली उसी का सिस्टम, जो पार्टिकल है उसी का सिस्टम, अलग अलग पार्टिकल से एक सिस्टम बनता है, तो उसे हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो यह आ गया, ये वो टर्म्स है बेटा जो इस चैप्टर में यूज होने वाली है। एक यूज करते हैं इसके अंदर इंटरनल फोर्स। Now, what is this internal force? देखेंगे, देखो हर एक जो पार्टिकल, हर एक सिस्टम होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल में फोर्स होती है, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ये पार्टिकल बहुत तेज वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जिसको मैं बोलता हूं इंटरनल फोर्स। और जो मैं बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसे बोलता हूं मैं एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या है? जो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जो बाहर से सिस्टम लगाता है, मतलब सिस्टम के ऊपर लगाई जाती है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। और देखो कुछ चीजें और यूज होती हैं इसके अंदर, जैसे वैसे तो यही होगा, एक्सटर्नल फोर्स मैंने बता ही दिया, इसके अलावा कुछ टर्म्स है, धीरे धीरे इसके बारे में पता करते रहेंगे। तो चलो हमारा जो मेन काम है उसके बारे में देखते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास क्या चीज है, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको बैलेंस करूं, ये तो हुआ ही नहीं, जैसे ये मार्कर है इसे बैलेंस करूं तो मैं एक पॉइंट पे इसे बैलेंस कर सकता हूं। अब ये बैलेंस क्यों हुआ है? तो जो ये पॉइंट है ना इसका, जहां पे ये बैलेंस हुआ है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब कैसे पता लगेगा कि ये सेंटर ऑफ मास है? तो देखो एक ऐसा पॉइंट जहां पर इस सारे के सारे सिस्टम का मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड है, होता नहीं है, हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर कंसेंट्रेटेड है। जैसे मैंने इसको यहां पे बैलेंस किया, बैलेंस करने का मतलब इस पॉइंट पे सारा मास बैलेंस कैसे हो सकता है? तो वो हुआ है बैलेंस, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास। तो हर एक बॉडी का अपना खुद का एक सेंटर ऑफ मास होता है जिसको हम निकालते हैं। देखो हर एक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, जरूरी नहीं है कि बॉडी के ऊपर हो। जैसे मान लेते हैं हम सर्कुलर रिंग है, ये रिंग है, अब इस रिंग में बॉडी के ऊपर नहीं होता सेंटर ऑफ मास, वो होता है यहां पर इसके सेंटर में। मतलब इसको बैलेंस करना हो तो यहां से बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो सिंपल यहां से थ्रेड बांध सकते हैं, यहां से थ्रेड बांध सकते हैं, चारों तरफ से थ्रेड बांधेंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास है क्या? बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारे के सारे पार्टिकल का मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड है, क्लियर है, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब फर्क आता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फर्क है। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है ग्रेविटेशन के ऊपर, और जो सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है सिमेट्री के ऊपर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम देखें बेटा, मान लेते हैं ये अर्थ है, तो सिंपल सेंटर ऑफ मास भी यहां होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहां होगी। लेकिन अगर हम मान लेते हैं बेटा
कि इसके ऊपर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज मार्क कर रहे हैं, तो इसका सेंटर इससे कोइंसाइड करेगा, तो इसी पे मतलब यही इसका सेंटर ऑफ मास होगा और यही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। बट अगर हम ये हमारे पास एक माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अगर बात करें बेटा माउंट एवरेस्ट की, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर मैं जाऊंगा वैसे वैसे ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो डिक्रीज होता जाएगा, मैं इसको सेंटर में नहीं मार्क कर सकता फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, अगर मैं सेंटर में मार्क करूंगा तो यहां से मतलब इतना जो फोर्स है और इतना फोर्स है, ये पार्टिकल दूर है, ये पॉइंट भी दूर है, तो इसका मतलब जो इसकी फोर्स है वो इससे कम होगी। तो हम क्या करते हैं, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर से थोड़ा सा नीचे लेते हैं। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहाँ पे होता है, सेंटर से नीचे, ताकि यहां पे जो फोर्स लग रही है और ऊपर से फोर्स लग रही है वो दोनों इक्वल हो। मतलब सेंटर में तो बनता ही नहीं है, सेंटर होगा इसका मतलब क्या, देखो ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज होती जा रही है, तो यहां पर अगर मैं इसको सेंटर में लूंगा, यहां मान लेते हैं सेंटर है हमारे पास, और सेंटर में लूंगा तो सिंपल सी बात है जो यहां के पार्टिकल्स हैं उन पे ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगी और जो यहां के पार्टिकल्स उनके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से इसका सेंटर नहीं बन पाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जैसे ही हमारे पास ट्रायंगल है मान लो, इसका भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, तो सेंटर में नहीं होगी, वो थोड़ा सा सेंटर से नीचे होगी। तो सेंटर ऑफ मास पहले समझते हैं होता क्या है, फिर देखेंगे इसकी डेरिवेशन। अब मान लेते हैं बेटा, चलो पहले समझ लेते हैं, मान लेते हैं मैंने एक फोर्स लगाई, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, से ये ऑब्जेक्ट है हथौड़ा टाइप है, अब जब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा, मान लेते हैं मैंने यहां पर एक फोर्स लगाई, मतलब इसके ऊपर यहां पर मैंने फोर्स लगाई लाइन ऑफ एक्शन पे, जब मैंने यहां फोर्स लगाई तो ये कैसे चलेगा, अगर इस हैमर की बात करें तो ये हैमर ऐसे ही मूव करेगा। मतलब अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाया, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, तो ये जो सेंटर ऑफ मास पे है, मैंने अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाई है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन फॉलो करेगा, क्योंकि मैंने फोर्स कहाँ लगाई है, सेंटर ऑफ मास पे। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ ऐसे सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे मूव करेगा, बट अगर मैं यहाँ से मूव करूंगा, देखो घूम गया, ये देखो घूम गया, ये देखो घूम गया, ये घूम रहा है, क्यों, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास पे फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे करूंगा तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, यहाँ से मारूंगा धक्का तो ऐसे जाएगा। तो इस केस में क्या, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन है या लाइन ऑफ फोर्स है, बहुत सारी टर्म्स यूज कर सकते हैं। अब क्या किया मैंने, जो फोर्स लगाई है बेसिकली, ये मैंने अगेन बेटा हैमर ही लिया है, अब मैंने जो फोर्स लगाई है वो लगाई है यहाँ पे, क्या सेंटर ऑफ मास पे लगाई है, नहीं, सेंटर ऑफ मास पे मैंने फोर्स नहीं लगाई है, तो क्या होगा, अब ये यहाँ से मुड़ेगा, अब जब यहाँ से मुड़ेगा तो ये देखो, मान लेते हैं बेटा ये सेंटर ऑफ मास, लाइन ऑफ एक्शन मैंने थोड़ी सी उल्टी बना दी है, गलत बना दी है, तो हमारी बेटा ये है लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन। अब ये जब रोटेट करेगा, मैंने यहां से फोर्स लगाई इसे, जब मैंने यहां से फोर्स लगाई, ध्यान देना बेटा, तो ये क्या होएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, अब क्या हो जाएगा इसका, ये रहा अभी भी सेंटर ऑफ मास ये रहा, और इसको अगर और ज्यादा देखो, यहां से मोड़ा मैंने, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, अब और ज्यादा नीचे आएगा, तो यहां से जब ये आया तो सेंटर ऑफ मास ये रहा, मैंने थोड़ा सा रफ में बनाया है, तो ध्यान देना, तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, जो सेंटर ऑफ मास है वो रोटेटरी मोशन नहीं कर रहा, बट जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेटरी मोशन फॉलो कर रहा है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से देखो, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन ले रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है। क्लियर हुआ, तो और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन से और ज्यादा क्लियर होएगा। तो चलो अब स्टार्ट करेंगे हम सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मान लेते हैं एक सिस्टम है हमारे पास और उस सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, तो दो पार्टिकल्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो मान लेते हैं बेटा हमारे पास दो पार्टिकल है, से मैंने दो पार्टिकल माने, एक पार्टिकल ये पड़ा है, एक पार्टिकल ये पड़ा है। मान लेते हैं बेटा ये जो पार्टिकल है ये m1 है इसका मास, और ये r1 पोजीशन वेक्टर दूर है ओरिजिन से, और ऐसे ही मैंने एक पार्टिकल ये लिया जिसका मास m2 है और ये r2 पोजीशन वेक्टर दूर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं बेटा ये रहा जो सिस्टम है वो ये रहा सिस्टम,
ये दो पार्टिकल का सिस्टम है, एक पार्टिकल यहां एक पार्टिकल वहां है। अगर इन दोनों पार्टिकल के देखा जाए सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, तुम सिंपल बता दो कि सेंटर में आएगा, लेकिन नहीं, सोच लो अगर इसका मास ज्यादा हुआ तो सेंटर में कैसे आ सकता है। अब मान लो ये मार्कर है, इसका वेट इधर ज्यादा है इधर कम है, तो क्या मैं इसको सेंटर में बैलेंस कर सकता हूं? मैं कभी नहीं कर सकता। देखो बैलेंस नहीं हो रहा, बैलेंस तो क्यों नहीं हो रहा, रीजन क्या है? क्योंकि इसका यहां का मास ज्यादा है यहां का मास कम है। तो ये अगर मेरे को बैलेंस करना होगा क्या करना पड़ेगा, जहां पे मास ज्यादा है उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है हमारे पास सेंटर ऑफ मास, मान लेते हैं बेटा कि यहां पे कहीं आया है, तो ये जो पॉइंट है ये है आरसीएम, मतलब सेंटर ऑफ मास। अब कैसे निकलेगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है तुमने कि एम वन प्लस एम टू इंटू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। मैंने क्या किया, बैलेंस किया, अगर ध्यान से देखो तो दोनों मास को यहां पे बैलेंस किया, इज इक्वल टू इन दोनों का इंडिविजुअल बैलेंस हो गया। तो यहां से तुम्हारे पास जो आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आता है वो आता है एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, यहां पर जो प्लेन है वो दो आने वाले हैं। अब यहां पे बेटा एक्स होगा या वाई होगा, जब एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट हो गए तो सेंटर ऑफ मास यहां पे दो पॉइंट आएंगे। मान लेते हैं मैं एक्स वाई दे दिया, अब ध्यान देना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं एम वन पॉइंट है और यहां पर एक्स वन और वाई वन है, ऐसे यहां पर एक पॉइंट है जिसका पॉइंट है एक्स टू और वाई टू है, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब ध्यान देंगे बेटा, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, दो पॉइंट आएंगे इसके, एक्स का अलग आएगा वाई का अलग आएगा। ध्यान से देखो यहां पे तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट ये रहा x2 y2, एक पॉइंट ये रहा x1 y1, तो इस केस में क्या आएगा, दो पॉइंट निकलेंगे, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा RCM वो भी क्या होगा, ये जो RCM आया है हमारे पास ये भी क्या होगा x और y दो कोऑर्डिनेट आएंगे। और क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं प्लेन की बात करूं तो यहां पे दो कोऑर्डिनेट आएंगे, अगर मैं एक्स निकाल दूंगा तो वाई रह जाएगा और वाई निकाल दूंगा तो एक्स रह जाएगा। तो अगर मेरे को अलग अलग निकालने हैं तो ध्यान देंगे एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। इससे क्या होगा, मेरे पास एक्स पॉइंट आ जाएगा, ये वाला मेरे पास एक्स पॉइंट हो जाएगा। और ऐसे वाई निकालना है तो वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये आ गया। तो ऐसे हम दो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जहां पर सेंटर ऑफ मास लाइक करेगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, इस चीज को समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल लिया, बताओ भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो निकालते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। हमें दे रखा है बेटा तीन पार्टिकल दे रखे हैं, एक ये और एक ये पार्टिकल मान लेते हैं एम वन है, ये पार्टिकल एम टू है और ये पार्टिकल एम थ्री है। और ये भी मान लेते हैं जो इनकी साइड है वो बेटा टू मीटर है या वन मीटर लेते हैं, चलो ये भी वन मीटर है, ये भी वन मीटर है और ये भी वन मीटर। अब बताओ सेंटर ऑफ मास का है, वैसे तो हमें पता है कि सेंटर में होगा, ऑब्वियस है, सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, तो कहां होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर में। लेकिन निकालेंगे कैसे, तो मैं निकालने वाला हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसकी भी वैल्यू वन के जी ले रहा हूं, इसकी भी वैल्यू 1 केजी ले रहा हूं और इसकी भी वैल्यू 1 केजी ले रहा हूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, अगर नहीं पता तो निकाला कैसे जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एज अ ओरिजिन मान लूंगा, इसको मैं क्या करूंगा ओरिजिन मान लूंगा। तो ध्यान देंगे, मैंने बताया था कि दो पॉइंट निकलेंगे, एक एक्स और एक वाई, तो पहले एक्स की डायरेक्शन में निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमें बता रहा है एक्स और ये डायरेक्शन बता रहा है वाई, तो पहले एक्स की डायरेक्शन में निकालते हैं। देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, तो जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस पर वाई नहीं है, लेकिन इस पॉइंट की बात करूं तो इसके पास एक्स भी और वाई भी है। एक्स कितना है यहाँ पे, अगर मैं यहां से देखूं तो एक्स कितना है 1/2 मीटर, ध्यान देना क्या बता रहा हूं मैं, ये सेंटर से एक्स कितना है यहां पे 1 मीटर, लेकिन अगर यहां बात करूं तो क्या आएगा, पाइथागोरस लगा दो, जब पाइथागोरस लगाएंगे तो हम क्या होगा, देखो हाइपोटेन्यूज अगर इसको देखते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेन्यूज ये आ गया, तो ध्यान देंगे बेटा क्या आएगा, अगर इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो ए बी का स्क्वायर, अच्छा सी ये रहेगा, ओ ले लो चलो,
तो पहले मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, अभी मैं सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल रहा हूँ, अभी मैं डिस्टेंस ही निकाल के दिखा रहा हूँ बेटा सिंपल। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो ए ओ का स्क्वायर वन बाय टू मतलब वन बाय फोर, तो वन बाय फोर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। बी का किया ओ ए का स्क्वायर, सॉरी ये आ गया हमारे पास। जब मैं इसे माइनस करूंगा तो वन में से जब ये जाएगा तो कितना आएगा, थ्री बाय फोर विच इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, और ओ ए जो हमारे पास आया वो आया रूट थ्री बाय टू। तो जो ये साइड आई है वो आई है रूट थ्री बाय टू, मतलब जो ये पॉइंट है यहां से डिस्टेंस कितना है, वाई डिस्टेंस रूट थ्री बाय टू। तो ध्यान देंगे मैं सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहा हूं, तो एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, ध्यान देंगे ये रहा। तो इस वक्त m1 कितना है, 1 kg। m1 क्या है वैसे जो देखा जाए तो क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। मेरे पास जगह कम पड़ रही है तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा कर दूंगा। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। मार्कर में इंक नहीं है, दूसरा मार्कर देख लेते हैं, चल रहा है बेटर है, इससे बेटर चल रहा है। हाँ तो ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देना, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, क्लियर बताता हूं, ये मास 1 kg कहां पे रखा है, ओरिजिन पे, मतलब 1 kg इंटू जीरो प्लस दूसरा कहां रखा है, ये 1 मीटर है टोटल, ये पूरा का पूरा 1 मीटर है। तो दिस ओरिजिन से कितना है, 1 मीटर, मतलब m2 कितना है 1 और ये भी 1 मीटर, मतलब x2 बेसिकली, प्लस दूसरा कितना है यहां पे m3 मतलब 1 kg, डिस्टेंस कितना है ये रहा हाफ 1 बाय 2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 आ गया। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये टर्म 0 होगी, ये आ गया, तो 1 प्लस हाफ इज बेसिकली कहां चला गया, हाँ तो ये आ गया 1 और ये आ गया हमारे पास 1 बाय 2, तो 1 प्लस 0.5 इज 1.5 अपॉन ये कितना आएगा हमारे पास 3, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 1 बाय 2। कैसे, ये पॉइंट हटा नीचे चला गया और 1 बाय 2, 1 बाय 2 का मतलब है कि x 1 बाय 2 मतलब सेंटर ऑफ मास कहां आएगा यहां पे, x कोऑर्डिनेट मिल गया अभी y नहीं मिला, मतलब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास आने वाला है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास आने वाला है। जब तक y कोऑर्डिनेट नहीं आएगा मैं नहीं बता सकता कि क्या आएगा। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, m1 कितना है 1 kg, y कितना है 0, प्लस m2 कितना है हमारे पास 1 kg, y कितना है 0, क्योंकि y नहीं बढ़ रहा है। ध्यान दो, ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों के दोनों x एक्सिस पे ही है तो y 0 है, और ये तो ओरिजिन पे है तो इसका तो 0, हमें एक ना एक तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, प्लस फिर हमारे पास m3 आ गया, m3 कितना है 1 और y3 कितना है हमारे पास, इसको बढ़ाते हैं ऊपर, देखो यहां 0 था, गए गए हमने निकाला था रूट थ्री बाय टू, तो यहां आ गया रूट थ्री बाय टू, और तीनों को प्लस के तो कितना आया 3। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये 0 तो कितना है रूट थ्री अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू रूट थ्री बाय 3 to the 6, ये आ गया हमारे पास। तो रूट थ्री बाय 6 अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो 1.732 आएगा समथिंग अपॉन 6, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ 0.3 के आसपास आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियस है 18 आएगा तो 6 3 18, तो 0.3 के आसपास आंसर आ सकता है, मतलब y की वैल्यू 0.3 ऊपर आएगी, ये पूरी पूरी रूट थ्री बाय टू है तो कहां पे आएगी इसका, कहीं ना कहीं यहां पे आएगी बीच में, मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगी, थोड़ा सा अलग आएगी। वैसे अगर मैं डायरेक्ट बताऊं, सिमेट्रिकल फिगर है तो जहां पर इसके मीडियन को इंसाइड करेंगे वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, ये मैं अभी बताऊंगा, जो सिमेट्रिक फिगर होगी उनके बारे में बताऊंगा अभी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ जो सिमेट्री फिगर होती है, जो सिमेट्रिकल फिगर होता है उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखो अलग अलग तरह की फिगर होती है हमारे पास, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है,
रिंग भी होती है, सिलेंडर भी होता है, कोन भी होता है, बहुत सारी फिगर्स होती हैं और उनके सेंटर ऑफ मास मैं बताने वाला हूँ। कुछ गला खराब होने की वजह शायद मेरी आवाज भारी आ रही हो आज। देखो सबसे पहले देखते हैं बेटा सेंटर के बारे में। अगर सेंटर, वैसे तुम्हें पता ही है, देखो ये सेंटर है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ इसका? सेंटर में, जहां पे दो रेडियस या दो डायमीटर मीट करते हैं वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब इस पॉइंट पे। अगर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होगा? जहां पे दो डायगनल मीट करते हैं वहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसे रेक्टेंगल है हमारे पास, जहां पे दो डायगनल मीटते हैं वहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। और ऐसे ही हमारे पास पैरेललोग्राम है, अगेन दो डायमीटर जहां मिलेंगे वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। बेटा मैं लिखवा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं, देख के तुम्हें वैसे ही समझ आ जाएगा, दिमाग में बस जाएगा। अगर हमारे पास रिंग है, मान लेते हैं बेटा ये रिंग है, तो रिंग में कहां पे होगा? सेंटर ऑफ द रिंग। अब देखते हैं सिलेंडर, अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है ये रहा, तो ये जो एक्सिस होती है एक्सिस के सेंटर में होता है सेंटर ऑफ मास। तो मैं यहां पे पॉइंट लगा रहा हूं बेटा, यहां पे ये रहा, यहां पे ये रहा, यहां पे ये रहा पॉइंट, यहां पे ये रहा और यहां पे ये रहा और ये रहा। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल अगर मान लो सिमेट्रिकल फिगर, देखो मैं सिमेट्रिकल के बारे में ही बता रहा हूं, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां लाया करता है? जहां पर ये मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं टू ईच अदर। तो ये हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ मास, किसके लिए? ट्रायंगल के लिए। अगर मान लो कोन है तो क्या होएगा बेटा? मान लेते हैं कोन है, तो कोन में तुम्हें एक पॉइंट याद करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल के बता दूंगा मैं कैसे निकालते हैं इसको। तो ये क्या होता है? नीचे से h by 4 पे, मान लेते हैं बेटा जो हाइट है वो h है, तो नीचे से h by 4 पे इसका क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। जैसे मैंने बताया था ना माउंट एवरेस्ट का, कि माउंट एवरेस्ट का सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं लाया करता, थोड़ा सा नीचे लाया करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी बढ़ती है, तो वहां पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं मैच करती है। बाकी मैं बता देता हूँ बेटा, सेंटर ऑफ मास होता है वो पार्टिकल के मास की वजह से होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो वेट की वजह से होता है, जितना बॉडी का वेट है और जो पार्टिकल्स है उसके बीच में उनका कितना वेट है। और वेट कहाँ से आता है? ग्रेविटी से। और हर कहीं मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल, इसकी ग्रेविटी अलग है, इसकी ग्रेविटी अलग है, इसकी ग्रेविटी, सबकी ग्रेविटी अलग है। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ रही है, और हाइट बढ़ती है तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होती जाती है। तो ये थी कुछ सिमेट्रिकल फिगर जो होती है उनके बारे में, मतलब उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। कुछ रह गया हो तो देख लेना बेटा, सिलेंडर भी कवर हो गया वैसे तो, मैं चेक कर लेता हूँ अगर कुछ रह गया हो तो सिमेट्रिकल फिगर का। एक उसने क्यूबॉइड और दिया है, क्यूब या क्यूबॉइड, मान लेते हैं बेटा ये क्यूब है, तो इस क्यूब में अगर मैं देखना चाहूं कि कहां पर है इसका सेंटर ऑफ मास, तो क्या करूंगा? इन दोनों पॉइंट को मीट करवाऊंगा और ये जो अल्टरनेट पॉइंट है इनको मीट करवाऊंगा। इन दोनों पॉइंट को जब मीट करवाऊंगा तो ये देखो, ये मीट करवाया मैंने, दोनों मीट करवाए, तो जहां पे मीट करेंगे बेटा वहां पे सेंटर ऑफ मास होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये थे कुछ सिमेट्रिकल फिगर का। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं करवा के, या फिर एक काम करते हैं, तो मैं वही बता देता हूं कि अगर मान लेते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अप्लाई करके बताऊंगा अभी, ऐसी समझ लो। देखो अगर हम मान लेते हैं कि मैंने निकालना है इसे एक्स सेंटर ऑफ मास किसका, अगर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इंटीग्रेशन एक्स डीएम, क्योंकि डीएम चेंज होता रहता है। अगर मान लो ये लेंथ है मेरे पास, अब इस लेंथ में इस पूरी का मास जो है वो एम आएगा, छोटी सी बात करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? डी एम। क्लियर है? नो, ऐसे ही हमारे पास वाई सेंटर ऑफ मास आता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम। और ऐसे ही हमारे पास आता है बेटा जेड सेंटर ऑफ मास, उसका क्या आता है हमारे पास? जेड डी एम। देखो ये सिर्फ कंसेप्ट है बेटा, इनको लगाना आना चाहिए, सिर्फ कंसेप्ट है, अगेन बता रहा हूँ, चाहे वो फॉर्मूले जो मैंने पहले लिखवाए थे वो भी कंसेप्ट है और ये भी कंसेप्ट है, इनको लगाना सीखना है हमने। तो चलो शुरू करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल के साथ शुरुआत करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो न्यूमेरिकल करने से पहले डेरिवेशन करवा दो बेटा, पहले मैंने सोचा नहीं करवाऊंगा, फॉर्मुलेशन के साथ ही हम तैयार कर लेंगे, लेकिन अब मन कर रहा है कि मेरा डेरिवेशन भी करवा दो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट एक एक चीज एटलीस्ट क्लियर होगी तुम्हें। तो वीडियो एंड तक देखना है बेटा, मेहनत लगी है वीडियो बनाने में और तुम्हारे लिए बनाई जा रही है वीडियो, तो एंड तक देखना ताकि हर एक चीज क्लियर हो। देखो मैंने क्या किया, बेसिकली टू पार्टिकल सिस्टम लिया, एक ये पार्टिकल सिस्टम में एक पार्टिकल यहां पड़ा है M1 और एक पार्टिकल पड़ा है यहां पे
एम टू, इसका पोजिशन वेक्टर बेटा आर टू है और इसका पोजिशन वेक्टर आर वन है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन बना नहीं है वैसे, बट हम मान लेते हैं कि ओरिजिन से है। दोबारा बनाते हैं इसे। बेटर एक ये है और एक ये है, ये M2 है और ये M1 है। देखो मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई। ये सिस्टम है बेटा, आधा मास यहाँ है आधा मास वहाँ है, हमें नहीं पता आधा आधा है भी कि नहीं है, क्योंकि मैंने लिया यहाँ पे M1 और M2। मैंने क्या किया, ऊपर से बाहर से फोर्स लगाई F, ध्यान देना। तो इस पार्टिकल पे अलग फोर्स लगेगी F एक्सटर्नल 1 और इस पे अलग फोर्स लगेगी F2 एक्सटर्नल। ये वैसे ही है बिल्कुल बेटा, अगर मान लो डिस्क है, ये रही डिस्क, तो डिस्क में अगर मान लो एक बंदा यहां बैठा हुआ है और एक बंदा यहां बैठा है, मैंने इसको बीच से पाइवट कर रखी है, तो ये बंदे को ज्यादा तेज मोशन मिलेगा और इसको मोशन कम मिलेगा। इसकी एक्सेलरेशन अलग होगी, उसकी एक्सेलरेशन अलग होगी, होता है ना ऐसा कि मान लेते हैं बेटा एक बंदा यहाँ बैठा, ये है वो डिस्क है बिल्कुल घूमने वाली जो पार्क में लगी होती है, और ये पार्क मतलब तो क्या है, एक बंदा यहाँ बैठा है कोने में और एक बंदा बैठा है पास में, तो इसको ज्यादा मोशन मिलेगा इसको कम मोशन मिलेगा क्योंकि रेडियस कम है इसकी, तो इसकी एक्सेलरेशन अलग होगी, इसकी वेलोसिटी अलग होगी, बहुत फर्क आ जाएगा इसमें। तो ऐसे जब इसके ऊपर फोर्स लगाई गई तो ये पार्टिकल पे अलग फोर्स लगी, इस पार्टिकल पे अलग फोर्स लगी, लेकिन दोनों पे मिला के कितनी लगी, टोटल फोर्स मतलब एफ। अब पार्टिकल्स कोई भी मैटर है बेटा, मान लो ये मार्कर है, मार्कर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, जिसको मैंने बताया था इंटरनल फोर्स, तो इसके ऊपर एक इंटरनल फोर्स लगेगी एफ ऑन वन ड्यू टू टू और इसकी वजह से भी एक इंटरनल फोर्स लगेगी एफ ऑन टू ड्यू टू वन, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तभी तो मैटर बनता है। ये पार्टिकल, ये जो मार्कर है, ये मार्कर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये फोर्सेस पता लगी ना। ये पोजीशन वेक्टर बेटा R1 है और ये पोजीशन वेक्टर R2 है, तो चलो निकालना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, तो अगर मैं पार्टिकल 1 की बेटा वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या आएगी, V1 इज इक्वल टू डी आर वन ओवर डी टी टाइम के साथ, और अगर मैं ऐसे ही बेटा V2 की निकालूं, या एक काम करते हैं एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं, तो A इज इक्वल टू डी वी वन अपॉन डी टी या फिर डी स्क्वायर आर वन अपॉन डी टी स्क्वायर, मैं ये भी कर सकता हूं। सिमिलरली मैं V2 निकाल सकता हूं, V2 इज इक्वल टू डी आर टू ओवर डी टी एंड A2 इज इक्वल टू डी वी टू बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर टू अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है बेसिकली, ये मेरे पास वेलोसिटी है पहले पार्टिकल की, ये मेरे पास एक्सेलरेशन है पहले पार्टिकल की, ये वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की और ये एक्सेलरेशन दूसरे पार्टिकल की। नाउ हम देखेंगे फोर्स, बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वाओ, नाउ देखो फोर्स ऑन पार्टिकल वन, अगर हम पार्टिकल वन पे फोर्स देखें, देखो दो तरह की फोर्स लग रही है, एक एफ एक्सटर्नल लग रही है और एक ये इंटरनल लग रही है, इन दोनों फोर्स की वजह से टोटल फोर्स बन रही है, मतलब टोटल फोर्स एफ वन क्या बन रही है हमारे पास, एक तो एफ वन टू लग रही है साथ में एफ वन एक्सटर्नल लग रही है, ये लग रही है। एंड सिमिलरली अगर हम देखें बेटा एफ टू के ऊपर, मतलब पार्टिकल टू के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है एफ टू वन प्लस एक लग रही है एफ टू एक्सटर्नल। अब देखेंगे कि टोटल फोर्स जो कि पूरे पूरे सिस्टम पे लगनी है वो कितनी लगनी है, तो मैंने क्या किया दोनों को प्लस किया, तो टोटल फोर्स F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया इन दोनों को प्लस कर दिया, राइट साइड वाले अलग प्लस कर दो, तो F12 प्लस F21 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। नाउ वी नो दैट एज F12 is equal to minus of F21 because दोनों forces opposite मतलब opposite basically act करती है, तो ये जितनी forces से खींचेगी वो opposite उतनी force से पीछे खींचेगी, clear है now? तो अगर मैं इसे which implies F12 plus, अगर मैं इस माइनस को उधर लेके जाऊं तो क्या गया प्लस एफ टू वन इक्वल टू जीरो, मतलब ये सारा तो जीरो हो गया, और जो F external है ये दोनों लग रही है किसके इक्वल है, F के इक्वल, एंड F is equal to F1 external plus F2
एक्सटर्नल ये आएगा, नो वैल्यू पुट करते हैं क्या है हमारे पास, सिंपल एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, ये टोटल फोर्स है, ये एक के ऊपर ही दूसरे के ऊपर है, तो अगर इसके ऊपर टोटल फोर्स देखेंगे तो क्या आएगी, एम वन प्लस एम टू इंटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी का एक मतलब एक जगह पे कंसंट्रेट हो, तो ये एक्सेलरेशन किसका है, सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन क्या होगी, यहां पे देखते हैं बेटा, तो m1 a1 आएगा प्लस m2 a2 आएगा, जब ये नीचे जाएगा तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखो एक बार, तुम्हें ऐसा ही लग रहा है जैसा फॉर्मूला मैंने पहले करवाया था तुम्हें, तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट एंट्री लेते हैं बेटा कंपटीशन पॉइंट पे, अगर क्वेश्चन आते हैं तो, अगर डेरिवेशन आती है तो तुम्हें ऐसे ही निकाल के दिखानी पड़ेगी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो जरा ये आ गया, सिमिलरली अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहां पे तो क्या आएगा, डी वी वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम वन डी वी वन अपॉन डी टी, मैंने क्या कर दिया यहां पे, वी वन ही सेंटर ऑफ मास, सॉरी, नाउ डी वी टू अपॉन डी टी, साथ में एम टू है, अपॉन एम वन प्लस M2। तो अगर इसे सॉल्व करूंगा क्या आएगा हमारे पास, V सेंटर ऑफ मास, क्यों, देखो d बाई डी टी मैं कॉमन ले लूंगा दोनों तरफ से और काट दूंगा, और d बाई डी टी कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, V सेंटर ऑफ मास M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। देखो जरा ध्यान से, ये तो है एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की, ये है वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, और इसी को अगर मैं वैल्यू डाल के सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, सेम चीज जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी, अभी कुछ मिनट पहले बताई है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तीन फॉर्मूले निकाले हमने, एक निकाला एक्सेलरेशन का, एक निकाला वेलोसिटी का, ये निकाला हमने सेंटर ऑफ मास का। ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन कितनी होगी, सिर्फ इतनी सी बेटा डेरिवेशन है ये। और अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा फिजिक्स में, अगर न्यूमेरिकल कर लो तो समझो फिजिक्स में मजा आने लग जाता है। तो अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, चार साढ़े चार बज चुके हैं लगभग, और हम लास्ट में न्यूमेरिकल करके वीडियो का एंड कर देंगे, मीठे मीठे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल करेंगे तीन से चार, इसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, कंसेप्ट समझ चुके हो, न्यूमेरिकल भी सीख के जाओ। देखो एक न्यूमेरिकल है, वेक्टर फॉर्म में है, टू पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम एंड 300 ग्राम, मतलब हमारे पास बेटा m1 की वैल्यू दे रखी है 100 ग्राम और m2 की वैल्यू दे रखी है 300 ग्राम। नाउ ही सेड एट अ गिवन टाइम हैव अ पोजीशंस r1 r2, हमें दे रखा है, तो r1 दे रखा है बेटा 2513, तो 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13 k कैप, और साथ में हमें जो r2 की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस सॉरी माइनस 2k कैप, ये हमें पोजीशन वेक्टर दे रखी है। अब वो क्या कह रहा है ध्यान से देखो, एंड वेलोसिटी, वाह जी वाह, वेलोसिटी भी दे रखी है बेटा, तो v1 की वैल्यू दे रखी है 10i कैप माइनस 7j कैप माइनस 7 3k कैप, तो 10i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप 73, हाँ यही है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास जो v2 की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है उसने 7i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप। नाउ वो बोल रहा है बताओ भाई, डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सिंपल फार्मूला है, कैसा सिंपल फार्मूला है, अगर मैं निकालता हूं r सेंटर ऑफ मास तो क्या आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, दो मास का सिस्टम है, वही सेम फार्मूला लग रहा है जो मैंने बताया है। वीडियो बन रही है या कट चुकी है, बन रही है बेटा, बहुत बार हो चुका है वीडियो बनती रहती है, इसके बाद कैमरा अपने आप ऑफ हो जाता है। देखो तो r सेंटर ऑफ मास, तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमारे पास आएगा बेटा 0.1 kg और ये आएगा 0.3 kg, तो जब 0.1 kg आया तो 0.1 मल्टीप्लाई r1 कितना है हमारे पास, ये रहा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, और साथ में जगह नहीं बची, चलो कोई बात नहीं, प्लस 0.3, नेक्स्ट आ गया हमारे पास r2, तो माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 0.1 प्लस 0.3, दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास r सेंटर ऑफ
मास आ जाएगा। कैसे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ध्यान दो तो 0.2 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप प्लस 1.3 के कैप। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, तो 1.8 माइनस के साथ माइनस 1.8 आई कैप प्लस इसको करेंगे तो 1.2, ये 4 3 12 होते हैं, तो 12 1.2 दिस एंड माइनस 3 2 6, तो 0.6 के कैप अपॉन 0.314। तो यहां से बेटा सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास आर सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। और ऐसे ही अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वी सी एम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास, मैं बता देता हूं आंसर क्या आ रहा है बेटा, तो इसमें भी तुम वैसी सेम वैल्यू पुट करोगे। अब देखा, ध्यान से देखो, तुम्हें V1 V2 की वैल्यू भी दे रखी है, तो क्या करना है, बस V सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये आ गया 0.1, यहां पे बेटा V1 की वैल्यू पुट कर दोगे प्लस यहां पे आ गया हमारे पास 0.3, या V2 की वैल्यू पुट करोगे और ये आएगा M1 प्लस M2, मतलब 0.1 प्लस 0.3। तो इजी सा कंसेप्ट था, बिल्कुल ऐसे निकालना है। अब हम देखते हैं बेटा दूसरा न्यूमेरिकल, ये निकाल लेना, अगर कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो बेटा कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, वहां पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मुझे फेसबुक पे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैं वहां पे भी रिप्लाई कर दूंगा। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पोजीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप प्लेट फ्रॉम ओ इन फिगर। बेटा तुम्हें फिगर दे रखी है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट। बहुत मजेदार है बेटा, शायद एनसीईआरटी का नहीं है, ये एनसीईआरटी का इससे अगला है। ये दे रखा है हमें, देखो हमें बेसिकली क्या दे रखा है उसने, ये फिगर दे रखी है, बताऊं कैसे, कि ये पॉइंट दे रखा है ओ उसने, और ये दे रखा है हमें ओ टू पॉइंट, नेक्स्ट हमें ये जो वैल्यू दे रखी है बेटा 3, और ऐसे ही हमें जो यहां पे ही वैल्यू दे रखी है ये भी 3 दे रखी है, और जो टोटल वैल्यू है ये वाली वो 6 मीटर दे रखी है। बेटा क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, बोर्ड पे करवा रहा हूं देख के, तो 2 मीटर ये आ गया हमारे पास, और ये आ गया 8 मीटर कंप्लीट, और ये भी हमारे पास आ गया 2 मीटर, और साथ में उसने जो दिया है वो दिया बेटा ये ओवन पॉइंट ओवन दे दिया, और ये बता दिया कि भाई ये सेंटर ऑफ मास है यहां पे, मतलब ओ सेंटर ऑफ मास है, सिंपल सेंटर ऑफ मास। अब वो कह रहे हैं कि यहां पे सेंटर ऑफ मास पे निकालो। अब ध्यान से देखना, अगर देखो इतना तो पता है हमें कि ये सेंटर से मार्क कर रहा है, तो जो वैल्यू आएगी वो कहीं सेंटर पे ही आएगी। तो एक काम करते हैं, पहले तो M1 M2 निकाल लेते हैं। M1 हमारा इसकी वजह से इस प्लेट का आ जाएगा और M2 आ जाएगा इस प्लेट का, तो दो प्लेट हमारी डिवाइड हो जाएगी। मार्कर कहां रख दिया मैंने, ये रहा, तो दो प्लेट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक काम करते हैं, इस प्लेट को 1 ले लो, इस प्लेट को 2 ले लो, दोनों का मास निकालते हैं। तो पहले M1 निकालेंगे, देखो तो मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है, या फिर सिंपल अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है तो इसका कितना है 2 और ये कितना है 8, तो 8 मल्टीप्लाई 2, ये तो आ गया एरिया, और डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा है, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 16 सिग्मा। डेंसिटी कुछ भी हो सकती है, पूरा का पूरा एक ही मटेरियल का बना है तो सिंपल डेंसिटी एक ही होगी। तो अगर मैं M2 निकालूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, ये वाला 2 मल्टीप्लाई 6, तो 6 मल्टीप्लाई 2 सिग्मा, विच इज इक्वल टू ये एरिया आ गया, डेंसिटी आ गई, तो ये आ गया हमारे पास 12 सिग्मा, ये आ गया 9। देखो आएगा तो वाई एक्सिस पे, उस पर नहीं आएगा, एक्स एक्सिस पे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ओरिजिन लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लिया हमने, जब ओरिजिन लूंगा तो ओपन पॉइंट कहां पे, 1 पे। तो ध्यान देखते हैं, जो ये वाली प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, O1 पे। तो ध्यान देंगे y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 कितना है 16 सिग्मा इनटू ऊपर से कितना है 1 खत्म, प्लस m2 कितना है हमारे पास 12 सिग्मा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास कितना है, ये सेंटर में दे रखा है बेसिकली, ये 3 के इक्वल दे रखा है, आई थिंक कहां चला गया, सेंटर में दिया बेटा, तो ये सेंटर में दिया हुआ है, ये टोटल 6 है, ये 3 हो गया, ये दे रखा है, तो ये 3 हो गया जब यहां पे, तो 12 सिग्मा इनटू ये 3 आ गया और 2 आ गया, तो इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस आया हमारे पास 5, अपॉन दोनों को प्लस किया तो 16 सिग्मा प्लस
12 सिग्मा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 16 और ये आ गया तो 60 प्लस 60 76 सिग्मा ओवर, इन दोनों को प्लस करूंगा तो हमारे पास आ गया बेटा 28 सिग्मा, सिग्मा से घटा सिग्मा तो y सेंटर ऑफ मास जो भी आएगा हमारे पास आंसर, मैं आंसर बता देता हूं बेटा 2.71 मीटर। तो 2.71 मीटर मतलब इस ओरिजिन से ये ओरिजिन से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 2.71, यहां पर सेंटर ऑफ मास आएगा इसका। सिंपल सी बात है, इधर का वेट ज्यादा है तो बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा, वो इसी के आसपास आएगा, तब ये जो पूरा पूरा टी शेप का पिलर है वो इसको बैलेंस करेगा, मतलब यहां से टी शेप को मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं। ये था एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी का बेटा, एनसीईआरटी में गिवन है देखो कुछ ऐसा दे रखा है बेटा, एक लेमिना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और इसमें तीनों का जो मास है वो अलग दे रखा है, उसने फिगर दी हुई है बेटा, वो कह रहा है कि एक मास ऑफ द लेमिना है, मतलब फाइंड द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना जिसका मास कितना है 3 kg। उसने एक पॉइंट ये दे दिया बेटा C1 और एक पॉइंट ये दे दिया उसने C2 और एक पॉइंट ये दे दिया C3। जो गिवन है बेटा वो मैं गिवन लिख के दे रहा हूं तुम्हें, जो ये वाला पॉइंट है देखो, और उसने ऐसा कुछ ग्राफ में ले रखा है, ये 0 0 है, ये वाला 2 और 0 है, और जो ये वाला पॉइंट है वो है 2 और 1, ये पॉइंट हमारे पास है 1 और 1, ये पॉइंट हमारे पास है 1 और 2, और ये पॉइंट दे रखा है बेटा 0 और 2, ये दे रखा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं ये भी आ गया, अब वो कह रहे सेंटर ऑफ मास निकालो, सिंपल क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना विद डायमेंशंस एज शो इन द फिगर 7.9 दे रखी है, जो मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया है। द मास ऑफ द लेमिना इज 3 kg, तो यूनिफॉर्म है बेटा है, तो इसका भी 1 kg होगा, इसका भी 1 kg होगा, इसका भी 1 kg होगा। तो ध्यान देते हैं बेटा, एक काम करेंगे हम पहले x एक्सिस पर निकालेंगे फिर y एक्सिस पर निकालेंगे, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, देखो यहां पे कोई मास नहीं रखा, मास कहां का रखा है, एक इस सेंटर पे, एक इधर सेंटर पे, एक इस सेंटर पे, तो ये 2 दे रखा है, इसका मतलब यहां पे 1 है और ये बिल्कुल सेंटर में आएगा और ये भी सेंटर में आएगा, तो क्या आएगा ये वाला, मतलब ऑब्वियस है कि ये डिवाइड हो जाएगा बेसिकली, ये बेसिकली क्या किया हुआ उसने, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा पॉइंट लिखने में, ये बराबर बराबर लेने चाहिए 1 और 2 और इधर का 0 और 2, तो ये भी बराबरी आएंगे बेटा, ठीक है ये सोच लेना कि ये जो लेंथ है वो इसके बराबर है, लिखूंगा फिर कॉम्प्लिकेटेड तो छोड़ो, तो ये 2 दे रखा है, ये 1 और 0 था, देखो तो x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा हमारे पास, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस M3, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 क्या है हमारे पास 1 kg मल्टीप्लाई x1 कितना है हमारे पास 0.5, यही आया समझ आया कैसे, x एक्सिस की तरफ लेके जा रहा हूं, दूसरे पे आ जाओ 1 kg तो प्लस 1 kg इनटू डिस्टेंस कितना है यहां पे 0 है ये 1 हो गया ये हो गया 1.5 दूसरा आ गया, नाउ तीसरा देखते हैं बेटा ये रहा, तो 1 * ये कितना डिस्टेंस है सेम यहां पे आएगा और ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 0.5 क्योंकि ये पूरा पूरा 1 है तो इसका सेंटर है 1.5 तो मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन तीनों को प्लस किया तो 1 + 1 + 1 तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इसको सॉल्व किया तो 0.5 हाँ कोई कंफ्यूजन है इसमें नहीं ठीक है कोई कंफ्यूजन नहीं है तो 0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 अपॉन 3 तो क्या है हमारे पास अगर इसको ध्यान से देखेंगे बेटा तो 0.5 इज 1 एंड 1.1 प्लस 1.5 इज 2.5 तो 2.5/3 सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास कुछ जो आंसर आएगा इसका कटेंगे तो कितना आएगा 25/30 मतलब 5/6 x कोऑर्डिनेट आ गया मेरा और 5/6 का मतलब है कि 0.9 के आसपास आना चाहिए 0.8 समथिंग तो 0.8 समथिंग मतलब यहां से 1 ही आ गया तो यहां पे कहीं इस लाइन पे आएगा तो मैं पहले लाइन मार्क कर लेता हूं 0.8 की ये इस लाइन पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा अब हम निकाल देते हैं बेटा y सेंटर ऑफ मास तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हमारे पास अब ऊपर की तरफ लेंगे तो यहां कितना आएगा 1 kg
मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे ऊपर, देखो ये भी दो है तो ये भी वन जीरो और वन होगा, और ये भी 0.5 होगा तो 0.5 प्लस M2 पे आ जाओ, M2 पे कितना आएगा 1 इंटू, ये भी सेम इसी पोजीशन पे लाई कर रहा तो 0.5 प्लस लास्ट आ गया 1 और ये कितना 1.5 क्योंकि ये पूरा 2 है तो ये कितना होगा डेढ़ 1.5 तो ये सी है बेटा यहाँ पे कहीं लाई कर रहा था सेंटर में तो 1 into 1.5 अपॉन 3 सबको प्लस कर दिया, अगर सॉल्व करोगे बेटा ये भी 5/6 आएगा, इसका मतलब यहां से भी कितना आएगा 0. मतलब जो x है वो भी इतना आएगा और ये जो y है वो भी कितना आएगा 0.8 तो हमारा जो बेसिकली सेंटर ऑफ मास आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा, ये रहा 5/6 इस पॉइंट पे आएगा, और अगर तुम एज्यूम भी कर सको बेटा एज्यूम भी करोगे तो भी यहीं कहीं आएगा। तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं फिर वीडियो का पक्का एंड करते हैं, डेफिनेटली एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो क्वेश्चन साफ बोल रहा है, वो कह रहा है शो दैट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l लाइज एट द मिडल पॉइंट ऑफ द रॉड। बेटा एक रॉड दे रखी है, वो कह रहा है शो करो कि जो सेंटर ऑफ मास है इसका बीच में लाई करता है। तो हमें क्या दे रखा है सिंपल, जो कंप्लीट मास है वो दे रखा है मास और लेंथ दे रखी है l। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा तो m अपॉन कैपिटल L, ये किसका होगा वन यूनिट लेंथ का, एक यूनिट लेंथ का होगा। नाउ मास ऑफ dx, अगर dx का मास हम देखेंगे तो क्या आएगा m अपॉन L इनटू dx, तो बेसिकली और मास ऑफ dx क्या है अगर मैं इसकी बात करूं बेटा ये रहा, तो इसका मास कितना होगा dm, तो dm इज इक्वल टू m अपॉन L इनटू dx, ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि x सेंटर ऑफ मास, यह सिंपल अगर x की डायरेक्शन में देखो ये लीनियर है, बेसिकली रॉड एक लीनियर होती है बेटा, 2D फिगर नहीं होती है। तो मास x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था x dm इंटीग्रेट ओवर कैपिटल M, यही बताया था ना। अगर मैं इसमें dm की वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा हमारे पास, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x का सेम रहेगा यहां पे मास का बेटा 1/1 m ऐसी रहेगा, dm की जगह क्या देगा m अपॉन l इनटू dx। नाउ m से m चला गया हमारे पास बेटा, इंटीग्रेशन साथ में हो रही थी, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हमारे पास आ गया x dx अपॉन l, ये आ गया एंड इंटीग्रेट कर देंगे इसे 0 से लेके l तक, क्योंकि ये जो बेसिकली dx है हमने dx को इंटीग्रेट करना है और dx को कितना इंटीग्रेट करेंगे l तक, 0 से लेके l तक, तो इसकी एक लिमिट हम 0 पे ऐड कर देंगे और एक लिमिट इस पे, तो लोअर लिमिट 0 से लेके l तक इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x स्क्वायर अपॉन 2 1 बाय l एज इट इज चलता रहेगा, और लेंथ जो लिमिट आएगी वो 0 से लेके l तक आ गई, तो क्या आया x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 ओवर l इनटू यहां पे कितना आएगा l स्क्वायर बाय 2, l से l कटा कितना आया l बाय 2, तो सिंपल सी बात है हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे आया इस L से हाफ पे L बाय 2 पे। तो इसी के साथ बेटा वीडियो का एंड करते हैं, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है एप्रिशिएशन देनी चाहिए कोई मेहनत करता है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है तो देखना मत भूलना।